गुड मॉर्निंग, वेलकम एवरीवन। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब लोग? गुड मॉर्निंग एवरीवन, आई होप यू ऑल आर वेरी मच फाइन। सभी लोग बहुत अच्छे से होंगे। अ वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। सो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे प्रोडक्शन का हम ऑब्जेक्टिव सेशंस ले रहे हैं लास्ट 2 डेज से, तो उसी को कंटिन्यूएशन में रखते हुए हमने इससे पहले कास्टिंग को डिस्कस किया 2 सेशन में, ठीक है। अब हम उसी को कंटिन्यूएशन में रखते हैं और डिस्कस करते हैं मशीनिंग। मशीनिंग काफ़ी बड़ा पार्ट है, तो कोशिश करूँगा धीरे धीरे आज टूल सिग्नेचर्स को लेके चलेंगे या टूल्स को लेके चलेंगे, सिंगल पॉइंट कटिंग टूल को, फिर धीरे धीरे सभी मशीनिंग प्रोसेस पे क्वेश्चन जो है वो लेने की यहाँ पे कोशिश करेंगे, ठीक है। तो एवरीवन, ऑल ऑफ यू गुड? चलिए तो स्टार्ट करते हैं बच्चों पहले क्वेश्चन से। तो यहाँ पे क्वेश्चन देखना शुरू करते हैं। चलिए थोड़ा सा मैं जो है आपका चैट ऑन कर देता हूँ। चलिए, वेरी गुड। सो लेट्स बिगिन विद क्वेश्चन नंबर। रेडी हैं फटाफट क्वेश्चन का आंसर करने के लिए? चलिए तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन रखते हैं बच्चों, कुछ ये रहा। दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन। टूल लाइफ इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मशीन। टूल लाइफ इज मोस्ट अफेक्टेड बाय मशीन। तो टूल लाइफ जो है सबसे ज्यादा इफेक्ट किससे करती है? तो आपको पता है जो 4-5 पैरामीटर हैं, 3-4 पैरामीटर स्पेशली स्पीड फीड है ना, डेप्थ ऑफ कट, स्पीड फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, नोज रेडियस, इन सब के ऊपर हम लोग बात करते हैं, पर इस पर भी सेपरेट क्वेश्चन हमसे पूछा जाता है। लेकिन आपको यहाँ बोलता है मोस्ट अफेक्टेड, तो सबसे ज्यादा इफेक्ट किससे करती है? तो कटिंग स्पीड है आपकी, टूल ज्योमेट्री है, फीड एंड डेप्थ है, या माइक्रो स्ट्रक्चर ऑफ मटेरियल है? तो याद रखिएगा, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है और बहुत बार रिपीट, आप जितने भी मैंने क्वेश्चन लिए हैं ये पेपर में सब आए हुए हैं बच्चों, एक दो को छोड़ के बाकी सभी क्वेश्चन पेपर में बहुत आए हुए हैं। खासकर अभी लास्ट जो मंथ के कुछ पेपर हैं 6 मंथ्स के, उनमें भी ये पूछे गए हैं। तो यहाँ पे हमारा है सीधा सीधा आंसर कटिंग स्पीड। यू नो दैट कि कटिंग स्पीड जो होती है उसका टूल लाइफ में सबसे ज़्यादा असर पड़ता है। दैट्स वाई टेलर्स टूल लाइफ का जो फॉर्मूला है उसमें हम वेलोसिटी के साथ ही कंपैरिजन लेते हैं टूल लाइफ का, वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट, ठीक है। तो वो इसीलिए है क्योंकि इस कटिंग स्पीड का ही मेजर रोल होता है टूल लाइफ में, क्लियर है? तो यहाँ पे ए विल बी दी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल्स वन मटेरियल टू कट अनदर इज इट्स रिलेटिव। अब ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसलिए कहूंगा मैं क्योंकि ये इसमें कंफ्यूजन हो जाता है। कंफ्यूजन नहीं रितु, फीड एंड डेप्थ नहीं, कटिंग, ठीक है। दीपक भी गलत है, दैट इज कटिंग, ठीक है। द कैरेक्टरिस्टिक दैट इनेबल्स वन मटेरियल टू कट अनदर। अब यहाँ पे बच्चों कन्फ्यूजन ये हो जाता है कि बच्चा कई बार प्रॉपर्टी को लेकर कन्फ्यूज हो जाता है कि कौन सी प्रॉपर्टी है जिसमें एक मटेरियल दूसरे मटेरियल को कट कर पाता है, ठीक है ना। तो आप सबको पता है बच्चों, यहाँ पे हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि कट करना मतलब स्क्रैच करना, इंडेंट करना, ये सब कहीं ना कहीं कौन सी प्रॉपर्टी को शो करता है, दैट इज कॉल्ड हार्डनेस। इसलिए जब हम किसी मटेरियल को कट करेंगे तो उसका टूल जो है उससे ज़्यादा हार्ड होना चाहिए, तभी वो उसको कट कर पाएगा, है ना। तो दैट द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हेयर इज हार्डनेस। बी विल बी दी हार्डनेस, क्लियर है? बी विल बी दी हार्डनेस, ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। द मैटर इन मशीनिंग ऑपरेशन इज रिमूव्ड बाय, द मेटल इन मशीनिंग ऑपरेशन इज रिमूव्ड बाय, जो मेटल है मशीनिंग ऑपरेशन में, वो जनरली मेटल जो रिमूवल होता है मेटल का, वो किस प्रोसेस के थ्रू होता है? किस प्रोसेस मतलब किस प्रिंसिपल के थ्रू होता है? टीयर करके टूटता है, वियर करता है, शियर करता है, ये ऐसा कुछ पूछ रहा है वो, कि टीयरिंग चिप चिप को तोड़ा जाता है, डिस्टॉर्शन ऑफ चिप, डिस्टॉर्शन ऑफ मेटल, शेयरिंग द मेटल अक्रॉस अ जोन, या कटिंग द मेटल अक्रॉस जोन। तो सही टर्म क्या होती है? दैट इज कॉल्ड शियरिंग। दैट्स करेक्ट टर्म इज शेयरिंग। शेयर जो मेटल जोन है, शेयर जोन जिसे हम कहते हैं, वहां से मेटल जो है वो शेयर होता है, ठीक है। दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर, जो कि लगभग सभी का सही है। दैट इज शेयरिंग द मेटल अक्रॉस अ जोन, ठीक है बच्चे, क्लियर है? शेयरिंग अ मेटल अक्रॉस अ जोन। चलिए ठीक है,
चलिए, चिप्स विद बिल्ट अप एज कैन बी एक्सपेक्टेड व्हेन मशीनिंग। चिप्स विद बिल्ट अप एज कैन बी एक्सपेक्टेड व्हेन मशीनिंग हार्ड मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, टफ मटेरियल एंड डक्टाइल मटेरियल। अब वो कहता है, आपको सबको पता है बच्चों, बिल्ट अप एज क्या होती है? जो चिप्स की जो टूल टिप होती है, टूल टिप पे जो है, टूल की जो टिप होती है, उस टूल टिप पे जो है आपकी मेटल जिस पे घिस रहा होता है वो जाके वेल्ड हो जाता है उस टूल के टिप के ऊपर और एक नई एज बन जाती है जिसको हम बिल्ट अप एज बोलते हैं, है ना। मेटल के वेल्ड होने की वजह से कई सारे रीज़न है उसके पीछे, ठीक है। मशीनिंग मैंने ऑलरेडी पोर्टल में तो खैर बहुत ही डिटेल में पढ़ाया हुआ है मशीनिंग, ठीक है। अगर किसी को मशीनिंग बिल्कुल डिटेल में अच्छे से पढ़ना है तो वो पोर्टल में पढ़ सकता है, वहाँ बहुत अच्छे से ये कटिंग वटिंग सब समझा रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, तो मशीनिंग जो है किस तरह के मटेरियल से मशीनिंग करने पे चिप की फॉर्मेशन होती है, तो यहाँ पे हार्ड मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल, टफ मटेरियल और डक्टाइल मटेरियल। तो यू शुड ऑल नो दैट दैट इट शुड बी अ डक्टाइल मटेरियल। कैसा मटेरियल होता है? डक्टाइल मटेरियल होता है जो निकल के उस पर टिप पे वेल्ड हो जाता है हाई टेम्परेचर की वजह से, तो बनती है बिल्ट अप एज। और बिल्ट अप एज का बेनिफिट कुछ नहीं होता, बस यही होता है कि बिल्ट अप एज होने की वजह से क्या होता है, टूल लाइफ जो है वो इंक्रीज होती है, लेकिन वही है कि टूल लाइफ इंक्रीज होने का इतना फ़ायदा नहीं है उसमें, ठीक है ना, क्योंकि सरफेस वगैरह फिनिश जो है वो रफ मिलती है बहुत हाई फोर्स होने की वजह से, ठीक है। तो दैट इज डी विल बी दी करेक्ट आंसर। वेरी गुड, लगभग सभी का भी यहाँ पे सही है। अगला क्वेश्चन है, द एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव रेक एंगल्स ऑन कटर इज दैट, जो पॉजिटिव रेक एंगल है बच्चों उसका एडवांटेज क्या होता है। वी नो दैट पॉजिटिव रेक एंगल किसे बोलते हैं, तो हम सभी जानते हैं कि हमारा जो टूल होता है उस टूल से अगर मैं नॉर्मल खींचूं तो जितना भी वर्क पीस के साथ ये टूल एंगल बना रहा होगा दैट इज योर अल्फा रेक एंगल, तो दैट इज योर पॉजिटिव रेक एंगल। इधर को जितना भी होगा वो पॉजिटिव रेक एंगल, इधर को जितना भी होगा वो नेगेटिव रेक एंगल होगा, और इधर जो होगा वो जीरो रेक एंगल होगा, ठीक है ना। ठीक है, ठीक है ना। देखो बच्चों, जो भी चीज़ें डिटेल में डिस्कस होंगी उसका अपना मज़ा ही अलग है। तो कल शेयर स्ट्रेस, कल स्ट्रेस और स्ट्रेन कर्व पे एक हमने प्रॉपर 1.5-2 घंटे का लेक्चर लिया है बहुत अच्छे से डिटेल में, तो उसका अपना ही एक मज़ा है जिसने भी वो लेक्चर अटेंड किया होगा। और वो लेक्चर मैंने सबके लिए ही फ्री रखा था, सिर्फ इसीलिए कि सभी उसका फ़ायदा उठा पाए इस चीज़ में, क्योंकि इन चीज़ों पे बहुत अच्छे डिटेल लेक्चर हमें दाएं बाएं 10 चीज़ें पढ़ने के बाद ही मिल पाते हैं, एक जगह पे पूरा कंटेंट नहीं मिलता है, तो इसलिए वो लेक्चर सेशन लिया था। जिसने अभी तक भी नहीं देखा है वो जाके देखो, लिंक उसका टेलीग्राम में भी शेयर किया हुआ है और डिस्क्रिप्शन में भी, मतलब इसमें भी है आपके कम्युनिटी पोस्ट में यूट्यूब के, ठीक है ना। द एडवांटेज ऑफ पॉजिटिव रेक एंगल्स ऑन कटर इज दैट, तो यहाँ पे पॉजिटिव रेक एंगल का एडवांटेज क्या है, तो जैसे मैंने आपको यहाँ बताया, यहाँ पे क्या होता है आपका फोर्स लेस लगता है, है ना, कई सारे ऐसे चीज़ें हैं, सरफेस फिनिश बेटर होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें, यूज लेस पावर, हैव लेस कटिंग प्रेशर, जनरेट लेस हीट, वर्क वेल ऑन सॉफ्ट एंड डक्टाइल मटेरियल्स, ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे बच्चों साफ है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर। ऑल ऑफ द अबव विल बी द करेक्ट आंसर, बिकॉज पावर आपकी लेस हो रही है, सरफेस फिनिश बेटर हो रही है, आपका हीट कम जनरेट हो रहा है, ठीक है ना। तो दैट इज ई विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। क्लियर है, वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, डिसकंटिन्यूस चिप्स विल बी, डिसकंटिन्यूस चिप्स विल बी फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग स्पीड इज, डिसकंटिन्यूस चिप, ठीक है। डिसकंटिन्यूस चिप मतलब चिप जब टूट टूट के निकलती है, ठीक है, तो चिप जब टूट टूट के निकलती है तो मशीनिंग स्पीड क्या रहे कि डिसकंटिन्यूस चिप हमें मिले। डिसकंटिन्यूस चिप के भी अपने फायदे अपने नुकसान हैं। नुकसान ये है कि लगने लुगने का डर रहता है, वो चिप काम करने वाले के लिए, वर्क ऑपरेटिंग ऑपरेटर के लिए जो है वो दिक्कत होता है, लेकिन फ़ायदा ये रहता है कि चिप जो है वो ब्रेक होता रहता है, तो बिल्ट अप ऐसी चीज़ें फॉर्म नहीं होती हैं। तो वही वो कह रहा है कि डिसकंटिन्यूस चिप जो होती है वो मशीनिंग स्पीड क्या रहनी चाहिए उसके लिए, हाई, लो, मीडियम, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन सही है ये, मशीनिंग के ऐसे क्वेश्चन हैं जो सबसे ज़्यादा पूछे गए हैं कहीं ना कहीं, तो आपको बस आंसर करना है सबका। तो बताइए, कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस चिप विल बी फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग स्पीड इज लो। वेरी गुड, वेरी गुड।
मशीन की स्पीड इज लो। अब इसी में अगर मैं पूछूंगा कंटिन्यूस चिप, चलो आगे होगा ये क्वेश्चन भी, द मेन फंक्शन ऑफ द कटिंग फ्लूड इज, ये भी क्वेश्चन बच्चों बहुत बार पेपर में आया है, बच्चों को बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि मेन फंक्शन जब पूछे तो ऐसे में हम लुब्रिकेशन करें आंसर, वॉश अवे द चिप्स करें, सरफेस फिनिश इंप्रूव करें, या कूल द टूल एंड वर्क पीस करें। तो याद रखिए बच्चों, जब ये सारे ही फंक्शन कटिंग फ्लूड जो है हमारा परफॉर्म करता है, लेकिन जब इसमें मेन फंक्शन पूछेगा, क्योंकि ये भी पेपर में आपके आ चुका है क्वेश्चन, ठीक है ना, तो जब मेन फंक्शन पूछेगा तो मेन फंक्शन आपको हमेशा ध्यान रखना है कि मेन फंक्शन इज ऑलवेज फर्स्ट द कूलिंग। कूलिंग हमारा सबसे मेन फंक्शन है, ठीक है ना, बाकी सारे फंक्शन उसके बाद है जो साथ में प्रोवाइड करता है, चाहे वो लुब्रिकेशन हो, वॉशिंग अवे द चिप्स हो, या सरफेस फिनिश इंप्रूव हो, बट द फर्स्ट मेन फंक्शन इज कूलिंग। तो इसलिए याद रखिएगा, कूल द टूल एंड वर्क पीस, कूल द टूल एंड वर्क पीस विल बी द मेन फंक्शन, बी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है। कंटिन्यूस चिप विल बी आ गया ना, कंटिन्यूस चिप विल बी फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग स्पीड इज, तो वहां पे डिसकंटिन्यूस बोला आपने, अब यहाँ पे बता दीजिए कंटिन्यूस चिप विल बी फॉर्म्ड व्हेन मशीनिंग स्पीड इज, तो वहां पे आपने लो बोला था, तो यहाँ पे हम बोलेंगे हाई, यहाँ पे हम बोलेंगे हाई, क्लियर है, दैट शुड बी हाई, ठीक है ना, समझ गए। चलिए, क्रोमियम कंटेंट, ये तो आपको आता ही है क्योंकि कल ऑलरेडी मटेरियल साइंस में भी आप लोगों ने पढ़ लिया है कि क्रोमियम कंटेंट इन हाई स्पीड स्टील कटिंग टूल मटेरियल इज, लेकिन कटिंग टूल मटेरियल है आपका HSS, आप बोल सकते हैं उसमें क्रोमियम कंटेंट कितना होता है। तो बच्चों आप सबको पता है कि क्रोमियम कंटेंट कितना होता है, तो आपने टंगस्टन क्रोमियम और वेनेडियम पढ़ा था 18-4-1, जिसमें आंसर आपको याद होगा क्वेश्चन में 18-4-4 करके लिखाया था, लेकिन डेट इज 18-4-1, तो वहाँ पे 18-4-1 में आपको पता है क्रोमियम का कंटेंट कितना होता है, तो दैट विल बी 4% ठीक है ना, टंगस्टन 18%, ठीक है, तो इसका आंसर आप डायरेक्ट कर सकते हैं, टंगस्टन 18%, क्रोमियम आपका 4%, क्लियर है, समझ गए, और 1% आपका क्या होता है, वेनेडियम होता है, तो सीधा आंसर करेंगे हम, बी विल बी दी करेक्ट आंसर यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग एब्रेसिव्स इज द हार्डेस्ट, इनमें से हार्डेस्ट एब्रेसिव्स कौन सा है बच्चों, ठीक है ना, एल्युमिनियम ऑक्साइड, सिलिकॉन कार्बाइड, डायमंड, या CBN क्यूबिक बोरोन नाइट्राइड, तो इनमें से जो हार्डेस्ट एब्रेसिव है वो कौन सा है, ठीक है, तो वी शुड नो दैट कि हार्डेस्ट एब्रेसिव इज, जल्दी आंसर करें, हार्डेस्ट एब्रेसिव इज, जल्दी जल्दी जल्दी, डायमंड, वेरी गुड, दैट इज डायमंड, ठीक है ना, तो दैट इज सी विल बी दी करेक्ट आंसर, डायमंड विल बी दी हार्डेस्ट एब्रेसिव, क्लियर है, डी विल बी दी, सी विल बी दी करेक्ट आंसर। द टूल लाइफ ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल विद इंक्रीजिंग इन बैक रेक एंगल विद अदर पैरामीटर्स कॉन्स्टेंट विल, क्या कह रहा है, टूल लाइफ ऑफ अ सिंगल पॉइंट कटिंग टूल, ठीक है, विद इंक्रीजिंग इन बैक रेक एंगल, अगर हम बाकी सारे पैरामीटर्स को कॉन्स्टेंट रखें और बैक रेक एंगल को इंक्रीज करें, समझते हैं ना, बैक रेक एंगल क्या होता है आपका, जो आपका फेस फेस और सामने वाले प्लेन जो हॉरिजॉन्टल प्लेन है उसके बीच में बनता है, दैट इज कॉल्ड बैक रेक एंगल, है ना, दैट इज जो टूल होता है वो टूल आपका इसके और इसके बीच में जो बनता है, ठीक है ना, ये वाला, दैट इज कॉल्ड बैक रेक एंगल, है ना, तो बैक रेक एंगल को वो कहता है इंक्रीज, अगर हम करते हैं बैक रेक एंगल को इंक्रीज करते हैं और बाकी के पैरामीटर को कांस्टेंट रखते हैं, तो बताइए टूल लाइफ जो है वो क्या होगी, इंक्रीज करेगी, डिक्रीज करेगी, ये आपको बताना है। क्वेश्चन सिंपल है बट थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है, तो याद रखिए दैट शुड बी, भाई बैक रेक एंगल इंक्रीज होगा तो ये चीज़ इंक्रीज करेगी, ठीक है ना, ये चीज़ इंक्रीज करेगी, देखो ना, ये है ना आपका, ये है आपका, मान लीजिए, तो बैक रेक एंगल का इंक्रीज होना मतलब क्या, ये और शार्प होता जाएगा टूल, ऐसा देखो, बैक रेक एंगल का इंक्रीज होना मतलब और नीचे जाएगा ये, और नीचे जाएगा ये, तो और नीचे जाएगा मतलब ये टिप जो है वो और शार्प होती जाएगी, तो टूल लाइफ आपकी क्या होती है यहाँ पे, इंक्रीज करती है, टूल लाइफ इंक्रीजेज स्लाइटली, क्योंकि फोर्स जो है वो डिक्रीज करता है, ठीक है, तो दैट इज इंक्रीजेज स्लाइटली, बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत स्लाइटली इंक्रीमेंट होता है, ठीक है, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है, हाँ बिल्कुल, बहुत ज़्यादा करेंगे तो फिर टू लाइफ डिक्रीज, सडन डिक्रीज आएगा, एकदम से ट्यूब टूट जाएगी वो, ठीक है ना, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर। द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड द ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ अ फ्लैंक इज नोन एज,
एंगल बिटवीन दी टूल फेस एंड ग्राउंड एंड सरफेस ऑफ अ फ्लैंक इज नोन एज, बताओ बच्चों कौन सा एंगल होगा टूल फेस एंड ग्राउंड एंड सरफेस के बीच में, द एंगल बिटवीन द टूल फेस एंड ग्राउंड सरफेस। तो सिंपल है, ये आपका टूल फेस है, दैट इज द टूल फेस, ठीक है, और एक तरह से कह रहा है सरफेस ऑफ फ्लैंक, ये फ्लैंक है, तो फ्लैंक और फेस के बीच में एंगल कौन सा हुआ, ये हुआ, जिसको हम क्या बोल सकते हैं लिप एंगल, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड लिप एंगल, दैट इज कॉल्ड योर लिप एंगल। तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर, बी रहेगा करेक्ट आंसर, तो फेस और फ्लैंक के बीच का एंगल इज कॉल्ड लिप एंगल, दैट इज बी विल बी दी करेक्ट आंसर। क्लियर, टूल सिग्नेचर कॉम्प्राइज, टूल सिग्नेचर में बच्चों कितने एलिमेंट्स होते हैं, तो सबको पता है, बच्चे बच्चों को पता है, दैट इज वी हैव अ सेवन एलिमेंट्स इन दी टूल सिग्नेचर, वी हैव अ सेवन एलिमेंट्स इन दी टूल सिग्नेचर, ठीक है, दैट इज आपको पता है बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल, एंड रिलीफ एंगल, साइड रिलीफ एंगल, एंड कटिंग एज एंगल, साइड कटिंग एज एंगल, एंड दी नोज रेडियस, दैट इज दी सेवन एलिमेंट्स प्रेजेंट इन दी आपका टूल सिग्नेचर। क्लियर है, डी विल बी दी करेक्ट आंसर। टूल सिग्नेचर इज, देयर इज नथिंग लाइक टूल सिग्नेचर, टूल सिग्नेचर है क्या बच्चों, देर तो वे भी पुराना क्वेश्चन है, ले रखा है मैंने पहले भी, ठीक है ना, द देर इज नथिंग लाइक टूल सिग्नेचर, अ न्यूमेरिकल मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल, अ प्लान ऑफ टूल, द कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ टूल। तो टूल सिग्नेचर का आंसर बहुत लोग डी कर देते हैं यहाँ पे, दैट इज कंप्लीट स्पेसिफिकेशन ऑफ टूल, लेकिन मैंने क्लैरिफाई किया था क्योंकि ये आईएएस का क्वेश्चन था पुराना, ठीक है, दैट इन टूल सिग्नेचर इज अ न्यूमेरिकल वे, न्यूमेरिकल मेथड है टूल को आइडेंटिफाई करने का, ठीक है, इट्स अ न्यूमेरिकल मेथड टू आइडेंटिफाई दी टूल, ये याद रखेगा, डी आंसर मत करेगा, स्पेसिफिकेशन नहीं है टूल की, ठीक है, कोई स्पेसिफिकेशन जब तक मटेरियल की बात ना कही जाए तब तक स्पेसिफिकेशन नहीं हो सकती है, ठीक है ना, तो मटेरियल वहाँ पे आता नहीं है, मटेरियल के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे टूल सिग्नेचर जो होता है वो स्पेसिफिकेशन ना बोल के वो होता है एक न्यूमेरिकल मेथड टू ऑफ आइडेंटिफिकेशन ऑफ टूल, टूल के आइडेंटिफिकेशन के लिए एक न्यूमेरिकल मेथड है टूल सिग्नेचर, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर, बी विल बी दी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ रेक एंगल फॉर मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल लाइक, बिल्कुल मिल जाएगी बच्चों, लेकिन वही वाली बात है कि फॉर्म तो आए, अब तो जो पढ़ रहे हैं वो पढ़ते रहे हैं अपना, मैं इसीलिए ज़्यादा उसको अब सबको परेशान नहीं कर रहा हूँ उस चीज़ को लेके। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपको पूछ रहा है द रिकमेंडेड वैल्यू ऑफ अ रेक एंगल फॉर मशीनिंग ब्रिटल मटेरियल, ब्रिटल मटेरियल के लिए, ठीक है, ब्रिटल मटेरियल के लिए, ब्रास, ब्रास की कटिंग के लिए एंगल क्या रखा जाता है बच्चों, तो आप सबको पता ही, हमने लिखा भी रखा है दैट वी शुड टेक अ जीरो डिग्री रेक एंगल, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे रेक एंगल जो है वो जीरो डिग्री रखते हैं फॉर अ कटिंग ऑफ ब्रास, दैट इज अ जीरो डिग्री रेक एंगल। क्लियर है, थैंक यू विकास कुमार फॉर द कमेंट, दैट इज जीरो डिग्री रेक एंगल, सी विल बी द करेक्ट आंसर। क्लियर है, वेरी गुड, सभी का सही होगा वो, द स्ट्रेंथ ऑफ अ कटिंग टूल डिपेंड्स ऑन, कटिंग टूल डिपेंड्स ऑन, द स्ट्रेंथ ऑफ अ कटिंग टूल डिपेंड्स ऑन लिप एंगल, क्लियरेंस एंगल, रेक एंगल या कटिंग एंगल, ठीक है, बताएं, द स्ट्रेंथ ऑफ अ कटिंग टूल, कटिंग टूल की स्ट्रेंथ जो है वो किस चीज पे डिपेंड करती है, तो बहुत बार बच्चे यहाँ पे लिप एंगल कर देते हैं कि भैया टिप जितनी ज्यादा होगी उतना ही स्ट्रेंथ होगा, लेकिन याद रखिए स्ट्रेंथ को कभी भी पूछेगा तो स्ट्रेंथ विल बी डिसाइड ऑन द बेसिस ऑफ रेक एंगल, ठीक है, स्ट्रेंथ आप हमेशा रेक एंगल जो ही वही आंसर करेंगे, क्लियर है, दैट इज रेक एंगल ही आंसर करेंगे, क्लियर है, समझ आएगा, तो याद रखिएगा सी विल बी दी करेक्ट आंसर, सी रहेगा करेक्ट आंसर, क्लियर है, तो वही मैं कह रहा हूँ ना, बहुत बच्चों को कन्फ्यूजन रहता है, जैसे अभिषेक को है, तो लिप एंगल नहीं रेक एंगल ही आंसर करिएगा, सी विल बी दी करेक्ट आंसर हमेशा। अगला क्वेश्चन है, व्हाट इज दी करेक्ट ऑर्डर फॉर मशीनेबिलिटी ऑफ मेटल्स,
ठीक है, मेटल्स की मशीनेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर क्या है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, आया नहीं है पेपर में अभी तक, बट उम्मीद पूरी है कि इस तरह का क्वेश्चन बन सकता है कि मशीनेबिलिटी क्या है, एबिलिटी ऑफ मशीनिंग, जिस पे आसानी से मशीनिंग हो सके उसका करेक्ट ऑर्डर क्या है। ठीक है, तो करेक्ट ऑर्डर की बात करें तो मैग्नीशियम एलॉयज, ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, मोनल मेटल, ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, मोनल। तो अब यहाँ पे आपको देखो ऑप्शन के हिसाब से सेलेक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है ना, क्योंकि कुछ फिक्स मेटल ही यहाँ पे दिए हुए हैं, तो उसके हिसाब से ही आपको ऑप्शन चूज़ करना है कि क्या ऑप्शन सही रहेगा। तो सबसे मेन चीज़ है कि आप अगर ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील और मोनल मेटल की बात करें तो आपको सबसे कम में आपको रखना पड़ेगा, दैट इज़ मैग्नीशियम एलॉय, ठीक है ना, मैग्नीशियम एलॉय। तो अब यहाँ पे ए सी डी जो है तीन ऑप्शन है जिसमें मैग्नीशियम, तो बी तो हट गया अपने आप ही, ठीक है। तो ए सबसे पहले, ए सी डी में मैग्नीशियम एलॉय सबसे पहले नंबर पे है, उसके बाद दूसरा आता है आपका ग्रे कास्ट आयरन। अब ग्रे कास्ट आयरन अगर उसके बाद आता है तो फिर सी भी हट गया ऑप्शन, फिर बचा ए और डी। तो याद रखिए मैग्नीशियम एलॉय, ग्रे कास्ट आयरन और उसके बाद बचा है मोनल मेटल और लो कार्बन स्टील। तो इसमें सबसे पहले आएगा लो कार्बन स्टील, देन मोनल मेटल। तो फिर यहाँ पे हो जाता है दैट इज ए विल बी द करेक्ट आंसर। तो ऐसे में ए हो जाता है यहाँ पे करेक्ट आंसर, दैट इज मैग्नीशियम एलॉय, ग्रे कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील, मोनल मेटल। क्लियर है? अ क्विल इज अ, क्विल क्या है बच्चों? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, क्योंकि ये भी ज्यादा देखने को नहीं मिला है। अ क्विल इज अ, बताइए क्विल क्या है? मैग्नीशियम नहीं है ना बच्चों, वो मैग्नीशियम होता तो फिर भी हम ऊपर रखते, मैग्नीशियम एलॉय है वो। क्विल इज अ, तो क्विल बच्चों आपको याद होगा क्विल जो है वो एक एक्सटेंडेड एक्सटेंडेड पार्ट होता है एक तरह से, हमारा स्पिंडल वगैरह, लेथ वगैरह में, सीएनसी वगैरह खासकर जो मशीन होती हैं उनमें हम देखते हैं कि हमारा एक्सटेंडेड पार्ट होता है स्पिंडल को, अगर हमें स्पिंडल के मोशन को बाहर तक लेना है तो उसमें हम एक एक्सटेंडेड पार्ट जोड़ते हैं जिसपे से मूव करता है, उसे हम क्विल बोलते हैं, उसे हम क्विल बोलते हैं। तो यहाँ पे अगर आपको पूछ रहा है कि क्विल क्या है, तो याद रखिए ये टूल होल्डिंग डिवाइस, वर्क क्लैंपिंग डिवाइस, टूल यूज्ड फॉर मिलिंग ऑपरेशन, डिवाइस यूज इन हीट ट्रीटमेंट ऑपरेशन। तो डी तो नहीं है किसी भी तरह से, सी भी नहीं है, अब बचा ए और बी। तो इसमें टूल होल्डिंग डिवाइस है या फिर आपका वर्क क्लैंपिंग डिवाइस है, तो दैट शुड बी आपका टूल होल्डिंग डिवाइस, दैट इज अ टूल होल्डिंग डिवाइस। ठीक है, तो सीएनसी में आपका ये टूल होल्डिंग डिवाइस हो जाता है। ठीक है, तो ए विल बी दी करेक्ट आंसर, समझे बात, ए विल बी दी करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट वाले क्वेश्चन में ऑर्डर डिक्रीजिंग है कि इंक्रीजिंग है बच्चे पूछ रहे हैं, तो ये आएगा आपका करेक्ट ऑर्डर फॉर, हाँ तो हमने मशीनेबिलिटी का करेक्ट ऑर्डर बताया तो ये इंक्रीजिंग ऑर्डर ही, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही है। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर ही लिया हुआ है यहाँ पे, राइट। वैसे देना चाहिए उसे क्वेश्चन में स्टार्टिंग में, ऐसे में बिल्कुल उल्टा आइडिया भी लगा सकता है कोई कि क्या ऑर्डर रखना है। ठीक है, तो कुल को हम लोग टूल होल्डिंग डिवाइस रखेंगे। सेंटरिंग कैन बी डन मोस्ट एक्यूरेटली ऑन, तो सेंटरिंग जो है वो सबसे एक्यूरेटली किस में की जाती है, फोर जॉ चक, थ्री जॉ चक, कॉलेक्ट चक या मैग्नेटिक चक? तो सभी को पता है बच्चों सेल्फ सेंटरिंग चक जो हमारा होता है, सेल्फ सेंटरिंग, वही हमारा बेस्ट एक्यूरेट सेंटर के लिए होता है। तो सेंटरिंग कैन बी डन मोस्ट एक्यूरेटली ऑन, अच्छा सेंटरिंग अपने आप करनी है ना, मोस्ट एक्यूरेटली पूछ रहा है। अच्छा हाँ, तो फिर तो ये क्वेश्चन थोड़ा ठीक है, बताइए इसमें क्या होना चाहिए, फोर जॉ चक होना चाहिए कि थ्री जॉ चक होना चाहिए? कलेक्ट और मैग्नेटिक चक तो हटा दीजिए, लेकिन फोर जॉ चक होना चाहिए कि थ्री जॉ चक होना चाहिए? मोस्ट एक्यूरेटली किसमें की जाती है? क्योंकि इस क्वेश्चन में भी बहुत जगह पे अलग अलग आंसर रहता है।
कई जगह पे डिफरेंट डिफरेंट रहता है, क्योंकि आप अगर देखोगे तो कॉलेट चक भी आप लोगों ने देखा होगा, कॉलेट आपका है ना, तो कॉलेट चक भी बिल्कुल इम्पोर्टेंट है। तो क्योंकि दो एक अलग अलग पॉइंट है, एक तो है एक्यूरेट सेंटरिंग के लिए, तब तो हम थ्री और फोर जॉ चक की तरफ बात करते हैं, लेकिन यहाँ पे कई बार बात आती है कि फास्ट फास्टली आप किससे कर सकते हो। तो जब हम फास्टली की बात करते हैं ना, तो कौन सा बेस्ट फास्टली है, तो फास्टली के मतलब आप कॉलेट चक को तरफ चलते हो, कॉलेट चक में डायरेक्ट आप पुट करते हो ना, कॉलेट चक को आप डायरेक्ट लगाते हो, तो कॉलेट चक की तरफ तब आंसर करते हो। याद रखिए, अगर आपको फास्टली भी बोलेगा ना कि किस में एक्यूरेटली एंड फास्टली आप लगा सकते हो, तो फास्टली जब बोलेगा तो तब आप कॉलेट चक का यूज करेंगे, ठीक है। लेकिन जब सिंपल बोल रहा है सेंट्री कैन बी डन मोस्ट एक्यूरेटली ऑन, तो तब आप यहाँ पे थ्री जॉ चक आंसर कर सकते हैं, ठीक है ठीक है। लेकिन फास्टली बोलेगा तो कॉलेट याद रखेगा, फास्टली भी बोलेगा एक्यूरेटली के साथ, तो फिर कॉलेट याद रखेगा सी आंसर, ठीक है। तो दोनों मैंने बता दिए यहाँ पे आपको। इन द टेलर इक्वेशन वी टी की पावर एन इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट वैल्यू फॉर इंडेक्स एन इज, तो बच्चों वी टी की पावर एन इज इक्वल्स टू कॉन्स्टेंट आपको पता है टेलर्स इक्वेशन होती है, तो ऐसे में आपसे बोलेगा कि एन जो है वो किस पे डिपेंड करता है। तो एन जो है वो आपको पता होगा कि एन की वैल्यू मैंने डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू निखार रखी है ऑलरेडी आपको, तो वो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू किसके लिए है, वो है अलग अलग मटेरियल्स के लिए, हाई स्पीड स्टील के लिए अलग है, कार्बाइड टूल के लिए अलग है, सिरेमिक टूल के लिए अलग है, तो एन की वैल्यू जो है डिपेंड्स ऑन दी टूल मटेरियल। तो याद रखिएगा एन इज वर्क पीस मटेरियल, कटिंग टूल मटेरियल, वर्किंग कंडीशन, तो दैट विल बी कटिंग टूल मटेरियल, तो बी विल बी दी करेक्ट आंसर। अच्छा हाँ, ये भी कंफ्यूजन रहता है कि वर्क पीस मटेरियल रहेगा आपका या टूल का मटेरियल रहेगा, ठीक है ना। तो याद रखिए ये भी बड़ा कंफ्यूजन रहता है कि टूल के मटेरियल की बात होती है कि वर्क पीस के, किसको काट रहा है वो उसके हिसाब से एंड डिसाइड होगा, या किस कौन काट रहा है उसके हिसाब से। तो याद रखिएगा टूल के मटेरियल के ऊपर, जो कार्बाइड सिरेमिक हम बात कर रहे हैं वो टूल के मटेरियल है, टूल के मटेरियल पर डिपेंड करता है, ठीक है, वर्क पीस मटेरियल नहीं। तो जो बच्चे वर्क पीस मटेरियल आंसर कर रहे हैं वो ध्यान रखें, दैट शुड बी कटिंग टूल मटेरियल, तो बी विल बी करेक्ट आंसर। भाई प्रोडक्शन में यही तो है, आंसर्स में कंफ्यूजन बहुत रहता है, तो बहुत ध्यान से करना होता है और क्वेश्चन की प्रैक्टिस जरूर करनी होती है, सिर्फ कंसेप्ट पता होने से आंसर नहीं कर सकते आप। कार्बाइड टिप्स आर फिक्स्ड टू द शैंक ऑफ कटिंग टूल बाय, जो कार्बाइड की टिप होती है, हमें पता है कार्बाइड जो है वो काफ़ी हार्ड मटेरियल होता है, जिसकी वजह से वो काफ़ी ब्रिटल होता है, तो वो ब्रिटल होने की वजह से उसको जो है उसकी हम सिर्फ टिप यूज़ करते हैं, उसका शैंक यूज़ नहीं करते, क्योंकि फिर ब्रिटल है तो फिर कटिंग फोर्स की वजह से शैंक टूटने का चांस रहता है। तो ऐसे में उसकी सिर्फ टिप टिप का यूज़ किया जाता है, और जब हम उसकी सिर्फ टिप टिप का यूज़ करते हैं तो वो कहता है कि कटिंग टूल के शैंक में जो है उसकी टिप किस प्रोसेस से जोड़ी जाती है, बच्चे बच्चे को पता है ये भी, दैट इज फॉर्जिंग, सिंटरिंग, ब्रेजिंग, सोल्डरिंग, दैट इज योर ब्रेजिंग विल बी दी करेक्ट आंसर, सी ब्रेजिंग विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है। इसको हम लोग वेल्डिंग में भी ले चुके हैं इस तरह के क्वेश्चन को। अ कटिंग टूल हैविंग टूल सिग्नेचर एज 10106688 2, ये आपको टूल सिग्नेचर दिया है, आपको पूछा है बैक एंगल जो है वो आपका कौन सा होगा, ये बैक रेक एंगल ही पूछ रहा होगा कि बैक रेक एंगल आपका इनमें से कौन सा होगा। तो सीधी सी बात है, बहुत आसानी से आंसर आप कर सकते हैं, बिकॉज क्योंकि वहाँ पे ऑप्शन सारे उसी तरह के दिए हैं आपको, तो यहाँ पे 10 10 8 8, तो 10 10 6 6, तो आपको ऑर्डर पता ही है, बता दीजिए बैक रेक एंगल आपका जो है वो इसमें कौन सा हो सकता है, बताएं बच्चों बिना किसी दिक्कत के आंसर कर सकते हैं आप। वेरी गुड, 10 है ना, सबको पता है बैक रेक एंगल, साइड रेक एंगल यहीं से स्टार्ट होता है, मतलब रेक एंगल, तो दैट इज योर 10 विल बी दी बैक रेक एंगल, ए विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर ऑब्लिक कटिंग, ऑब्लिक कटिंग के लिए जो है हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है, तो ऑब्लिक कटिंग के लिए आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पहला स्टेटमेंट है द कटिंग एज इज इंक्लाइंड एट एन एंगल लेस देन 90 डिग्री, बिल्कुल कटिंग एज जो होती है वो वेलोसिटी ऑफ टूल की डायरेक्शन के अलॉन्ग जो है वो इंक्लाइंड एंगल बनाती है, मतलब 90 डिग्री से कम, तो बिल्कुल सही है, इसलिए ऑब्लिक कटिंग बोलते हैं उसे, तो ए सही है स्टेटमेंट। फ्रिक्वेंटली मोर देन वन कटिंग एज आर इन एक्शन, एक एक टाइम पे फ्रिक्वेंटली मोर देन वन कटिंग एज आर इन एक्शन, एक टाइम पे एक से ज़्यादा कटिंग एज जो है वो एक्शन में रहती है, वो तो डिफरेंट टूल के लिए होगी। अगला क्या कह रहा है, द चिप फ्लोज ऑन द टूल फेस एट एन एंगल एज एन, ये भी ठीक है, तो फिर साफ है जो बच्चों, जहाँ दो स्टेटमेंट ठीक हैं
फिर आंसर ऑल ऑफ दी अबव ही करेक्ट रहेगा, तो डी विल बी दी करेक्ट आंसर, डी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है। क्रेटर वियर लीड्स टू, क्रेटर वियर लीड्स टू, क्रेटर वियर जो है वो लीड्स टू किसके वजह से होता है, मतलब लीड्स टू, अच्छा कि क्रेटर वियर की वजह से क्या होता है, इंक्रीजिंग, अच्छा लीड्स टू इंक्रीजिंग इन कटिंग टेम्परेचर, वीकनिंग ऑफ टूल, फ्रिक्शन कटिंग फोर्स, या ऑल ऑफ दीज। तो बच्चों क्रेटर वियर की वजह से यहाँ पे क्या होने वाला है, तो आपको पता है फेस में आपका क्रेटर वियर जब होता है तो उसके वजह से आपका क्या होता है, आपका फोर्स भी बढ़ता है, टेम्परेचर भी बढ़ता है, ठीक है ना, और टूल जो है आपका वीक होता रहता है। तो ऐसे में आपका जो है ऑल ऑफ दीज यहाँ पे सही आंसर रहने वाला है, तो आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज विल बी दी करेक्ट आंसर, ठीक है, ऑल ऑफ दीज रहेगा यहाँ पे करेक्ट आंसर, क्लियर है। यहाँ पे क्वेश्चन आ रहा है अगला, थोड़ा छोटा कर दें, न्यूमेरिकल मैंने अभी डाले नहीं है इसमें, ये एक हल्का फुल्का आ गया न्यूमेरिकल, कर सकते हैं आप आराम से, ठीक है। क्या कह रहा है, इन अ सिंगल पॉइंट टर्निंग ऑपरेशन विद अ सीमेंटेड कार्बाइड एंड स्टील कॉम्बिनेशन हैविंग टेलर एक्सपोनेंट 0.25, ठीक है, टेलर जो एक्सपेरिमेंट है उसके हिसाब से एन की वैल्यू जो है वो है 0.25। आपको कह रहा है द कटिंग स्पीड इज हाफ देन द टूल लाइफ विल बिकम, तो पहले जो है वी टी की पावर एन इक्वल टू कॉन्स्टेंट होता है, तो हम दो कंडीशन लगाते हैं, अगर वी वन टी वन की पावर एन इज इक्वल टू वी टू टी टू की पावर एन, हमें टूल लाइफ पूछ रहा है क्या हो जाएगी, तो वी नो दैट कि कटिंग स्पीड पहले मान लीजिए वी है, टूल लाइफ टी है ना, टूल लाइफ जो है वो टी है और ये एन की वैल्यू हमें दी है। वी टू वो कह रहा है इफ द कटिंग स्पीड इज हाफ, तो ये वी टू वी बाई टू हो जाता है, तो बताइए टी टू कितना हो जाएगा इसके इतने टाइम्स, तो हम यहाँ पे साफ देखते हैं वी से वी कट गया तो टी टू विल बी इक्वल टू, तो टी टू अपॉन टी वन अगर मैं लिखूँ, टी टू अपॉन टी वन अगर मैं लिखूँ होल पावर एन इज इक्वल्स टू टू, टू से चलेगा वन, तो ये एन कितना है हमारा 0.25, ठीक है 0.25 इज वन की पावर फोर होता है, वन अपॉन फोर होता है, तो टी टू अपॉन टी वन कितना हो जाएगा टू की पावर फोर, है ना, तो टू टू फोर टू एट टू सिक्सटीन, तो दैट टी टू विल बी इक्वल टू 16 टाइम्स ऑफ टी वन, ठीक है 16 टाइम्स ऑफ टी वन, तो दैट इज डी विल बी करेक्ट आंसर, रटा भी है बच्चों को आंसर ये, क्योंकि बहुत बार सॉल्व किया होगा पहले इस तरह का क्वेश्चन, दैट इज 16 टाइम्स, और ये अकेला क्वेश्चन जो है वो पता नहीं कितने बार पेपरों में, कई अलग अलग पेपरों में आया, स्टेट लेवल से लेके सब जगह ये सेम 16 टाइम वाला, ठीक है ना। प्रोडक्शन अच्छा सब्जेक्ट है, बस थोड़ा सा क्या है कि प्रैक्टिकल चीजों के साथ साथ याद रखने की कोशिश करनी पड़ती है, और प्रोडक्शन में सिर्फ कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आप ये नहीं कह सकते कि अब तो मुझे ये सब्जेक्ट आ गया, कंसेप्ट क्लियर करने के बाद आपको स्टिल जो है उसमें क्वेश्चन प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है, मतलब आपको नंबर ऑफ क्वेश्चन सॉल्व करने पड़ेंगे, जब तक आप नंबर ऑफ क्वेश्चन इसमें सॉल्व नहीं करोगे आप बिल्कुल आइडिया नहीं लगा सकते कि आपको कितना इसमें आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्रिल डायमीटर इज मेजर्ड ओवर दी, ड्रिल डायमीटर इज मेजर्ड ओवर दी, ड्रिल डायामीटर जो है वो किस में मेजर किया जाता है, मेन बॉडी में, प्लेन शैंक पोर्शन में, मार्जिन्स एट द ड्रिल पॉइंट्स में, या हील में। तो बच्चों इसके लिए आप ड्रिल का जो टूल ज्योमेट्री है वो देख सकते हैं, ठीक है ना, बिल्कुल आपको आने वाले पेपरों में, क्योंकि एसएससी के वजह से प्रोडक्शन आप पढ़ते नहीं है ज़्यादा, लेकिन अभी मैं आपको इतना प्रैक्टिस करा दूंगा क्योंकि इसमें कई अभी दिन लगेंगे हमारे, नेक्स्ट वीक पूरा जा सकता है प्रोडक्शन के ऊपर, तो इतना प्रैक्टिस करा दूंगा कि आपके अच्छे खासा रिवीजन और क्वेश्चंस आपके हो जाएंगे यहाँ पर, कोई बिना किसी दिक्कत के आप किसी भी आने वाले पेपरों के लिए अच्छे से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो ड्रिल डायमीटर इज मेजर्ड ओवर दी, बताएं, मेन बॉडी, प्लेन शैंक पोर्शन, तो ड्रिल का जो डाया है वो किस में मेजर किया जाता है, बताएं, बिल्कुल सही, दैट इज मार्जिन्स एट द ड्रिल पॉइंट्स, तो ड्रिल पॉइंट्स के जो मार्जिन्स होते हैं उसके थ्रू जो मेजर करते हैं उसको ड्रिल डाया कहते हैं, ड्रिल डाया इज मेजर्ड ओवर दी मार्जिन्स एट दी ड्रिल पॉइंट्स, ठीक है, मार्जिन्स एट दी ड्रिल पॉइंट्स, तो दैट इज सी विल बी दी करेक्ट आंसर, बिल्कुल सही जिन बच्चों ने दिया है, दैट इज सी विल बी दी करेक्ट आंसर, क्लियर है। द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ फॉलोइंग ऑर्डर, फॉलोइंग पैरामीटर्स इन ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस, अब याद रखिए ये हमने पहले भी डिस्कस कर लिया वैसे तो, पर आपको बताना है कि टूल लाइफ,
टूल लाइफ द करेक्ट सिक्वेंस ऑफ द फॉलोइंग पैरामीटर इन ऑर्डर ऑफ देयर मैक्सिमम टू मिनिमम. मैक्सिमम टू मिनिमम इन्फ्लुएंस ऑन टूल लाइफ इज दैट इज फीड रेट, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, डेप्थ ऑफ कट, कटिंग स्पीड, फीड रेट, कटिंग स्पीड, फीड रेट. तो अब सबको बताया था बच्चों, मैक्सिमम इन्फ्लुएंस किसका है? कटिंग स्पीड का, ठीक है. और मिनिमम इन्फ्लुएंस किसका होता है? नोज रेडियस का. नोज रेडियस यहाँ पे ऑप्शन है नहीं, तो कटिंग स्पीड, फीड और डेप्थ में हम लोग किसका आंसर करेंगे? कर दो फटाफट. तो सबसे ऊपर तो कटिंग स्पीड ही है, तो सबसे ऑप्शन तो आंसर तो सीधा मिल जाता है वैसे, यहाँ पे सी विल बी द करेक्ट आंसर, ठीक है. बट कटिंग स्पीड के बाद हमारा क्या हो जाता है? दैट इज फीड एंड डेप्थ, उसके बाद डेप्थ ऑफ कट. तो दैट इज सी विल बी द करेक्ट आंसर. क्लियर है? सी विल बी द करेक्ट आंसर. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं. द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिफाइन द चिप फॉर्मेशन इन मेटल कटिंग प्रोसेस इज द पैरामीटर्स विच कंप्लीटली डिफाइन्स द चिप फॉर्मेशन इन मेटल कटिंग प्रोसेस इज शेयर एंगल, चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ, ए एंड बी बोथ, या नन ऑफ दीज. बताएं. क्वेश्चन सेशन डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं लेते हैं? डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं लेते हैं? बट डिजिटल बोर्ड पे क्यों नहीं लेते हैं? क्या बताएं? द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिफाइन द चिप फॉर्मेशन इन मेटल कटिंग. क्या फर्क पड़ता है क्या उससे? कुछ कुछ फर्क तो पड़ता नहीं, मेरे को ये आसान होगा बस, तुम्हें तो क्या फर्क पड़ेगा? कुछ भी नहीं. विकास कुमार जी, आप डिजिटल बोर्ड बेचते हैं क्या? दिला दो फिर, और क्या. ठीक है, तो यहाँ पे क्या है? द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिफाइन द चिप फॉर्मेशन मेटल कटिंग प्रोसेस. चिप फॉर्मेशन बच्चों जो है हमारी किसके वजह से होती है? शेयर एंगल की वजह से, चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ, या बोथ, या नन ऑफ दीज. तो साफ है दैट इज बोथ, बोथ ए एंड बी, शेयर एंगल और चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ दोनों पे डिपेंड करती है. द पैरामीटर विच कंप्लीटली डिफाइन दी, जो चिप फॉर्मेशन को कम्प्लीटली डिफाइन करते हैं वो है एक तो आपका शेयर एंगल और एक आपका चिप टूल कॉन्टैक्ट लेंथ. आपको याद होगा हम शेयर प्लेन पे इसकी कैलकुलेशन भी करते हैं, शेयर एंगल की, फाई की, है ना. ठीक है, तो दैट इज क्लियर है, समझ आ गया बात. चलिए, तो आंसर हाईलाइट करने की जरूरत नहीं है बच्चों, क्योंकि जो आपको मैं वो क्या कह रहा हूँ, जो शीट देता हूँ मैं आपको, उसमें आंसर मैं पुट करके देता हूँ उसमें, ठीक है ना. इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ द स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम, बताइए. अब लेथ के क्वेश्चन हम आगे बढ़ाएंगे नेक्स्ट सेशन में, लेकिन यहाँ पे हमसे पूछ रहे हैं कि हम लेथ के किस ऑपरेशन में जो है स्पिंडल स्पीड हम मिनिमम रखते हैं. बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट और पुराना क्वेश्चन है, बताइए. अरे छोड़ो यार, तुम कहाँ डिजिटल बोर्ड के डिस्कशन में लग गए. कोई नहीं, जिस दिन लाना और डिजिटल बोर्ड ले आएंगे भाई, पर अभी डिजिटल बोर्ड के लिए कम से कम दो मिनिमम, अगर कोई भी डिजिटल बोर्ड लगता है तो कम से कम 2 लाख रुपए चाहिए, और अभी वो 2 लाख रुपए जो है वो किसी सही काम में लगे तो ज़्यादा बेटर है. इस टाइम पर वैसी आफत है, मुझे तो ये लग रहा है कि ऑक्सीजन सिलेंडर खरीदना ना पड़ जाए, ठीक है ना. तो अभी तो सही काम पे लगे वो इम्पोर्टेंट है. अभी ये मेजर जिस मतलब सीधी सी बात है ना, आप किसी चीज़ को किसी चीज़ से रिप्लेस करना चाह रहे हैं और उनमें जो फ़र्क है वो सिर्फ अपनी अपने आप को फैसिलिटी दे सकता है. चीज़ें वही मिलनी है, दिखना आपको वैसा ही है, बस अपने आप को फैसिलिटी दे सकता है. तो वो चीज़ों में अपने आप सिलेक्शन कर सकते हैं, जब ज़रूरी होगा तब देखेंगे, मतलब जब फालतू पैसा होगा तब देखेंगे. तो इन विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेशन ऑन लेथ स्पिंडल स्पीड विल बी मिनिमम, तो दैट विल बी थ्रेड कटिंग. बिल्कुल सही आंसर सबका, थ्रेड कटिंग, ठीक है ना. याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, कि थ्रेड कटिंग में हम लोग जो है मिनिमम स्पीड रखते हैं. क्लियर है? द यूनिट ऑफ अ लेथ विच हाउसेज, ये भी बहुत पुराना क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है. द यूनिट ऑफ अ लेथ विच हाउसेज द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर्स फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड. तो उसको हम क्या बोलते हैं, ठीक है, जिसमें हम लोग जो है मिनिमम यूनिट ऑफ लेथ विच हाउसेज द लेथ स्पिंडल एंड कंट्रोल लीवर्स फॉर स्पीड सिलेक्शन इज कॉल्ड.
तो जिसमें हमारा कंट्रोल्स और स्पीड सिलेक्शन जो है वो सब आते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हेड स्टॉक, टेल स्टॉक, फीडबॉक्स। तो टेल स्टॉक और कैरियर्स तो हटा दो, सिर्फ कन्फ्यूजन इसमें बच्चों को रहता है हेड स्टॉक और फीडबॉक्स में। तो देखो सिर्फ यहाँ स्पीड सिलेक्शन सिलेक्शन का नहीं है ना, यहाँ पे लेथ का स्पिंडल और सब कुछ आ रहा है। तो दैट इज योर हेड स्टॉक, ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। ठीक है, तो याद रखिएगा एक दो जगह पे दिया भी था फीडबॉक्स, बट ए विल बी द करेक्ट आंसर, ए ही रहेगा इसका करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ आ गई बात। तो ये थे हमारे आज के टोटल क्वेश्चन जो हम लोगों ने लिए हैं। ठीक है, अब जरूरी बस ये है कि आप लोगों को इस क्वेश्चंस के साथ साथ और भी चीज़ों को करते जाना है, अपने रिवीजन को बेटर करते जाना है। ठीक है, आने वाले ऐसे कई सारे स्पेशल छोटे वीडियो सेशंस मैं अभी लेने वाला हूँ। ठीक है, और एक दो विचार और था जो मेरे मन में था आपसे डिस्कस करूँ, क्योंकि अब तो स्टाफ भी नहीं आता, स्टाफ की भी छुट्टी कर रखी है मैंने पिछले एक हफ्ते से, जब से देहरादून में लॉकडाउन की सिचुएशन क्रिएट होने वाली थी। तो एज़ पर सेफ्टी जो है सभी स्टाफ की छुट्टी कर रखी है मैंने, तो फिर आजकल तो बिल्कुल अकेले ही हैं, कोई बात करने को भी नहीं है। तो इसलिए जो विचार आ रहा है वो मैं आपको बताता हूँ। तो एक तो मेरे दिमाग में यह आ रहा है कि जितने भी वीडियोस हम लोगों ने लिए हैं यूट्यूब में, उसमें कहीं ना कहीं जो है वो छोटे 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 कंसेप्ट कहीं ना कहीं बहुत, जैसे मानो एक एक 1.5 घंटे का कोई वीडियो लेक्चर है, उसके बीच में कोई छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, जैसे कि कहीं पर कोई छोटी ट्रिक समझा रखी हो या कोई मेथड। तो मैं सोच रहा हूँ उन वीडियोज़ को कट करके ना, छोटे छोटे वीडियोज़ को कट करके अपलोड कर दूँ। ठीक है, आप बताना मुझे कैसा आइडिया है ये, क्योंकि कई बार क्या होता है कि मानो जस्ट हम ढूंढते भी हैं, हमारे लिए भी सही है ना कि जब कोई ढूंढता है तो वो जस्ट अपनी प्रॉब्लम डालता है या वो टॉपिक डालता है, तो वो टॉपिक भले ही उस लेक्चर में बहुत अच्छे से समझा रखा होगा, लेकिन वो पूरे 1.5 घंटे के लेक्चर में मिलेगा ही नहीं कभी वो, या जिसको पूरा लेक्चर देखेगा वो तभी मिलेगा। तो उससे मेरे को लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत होती है। इससे अच्छा है कि अगर हम वो कट करके वीडियो निकाल के ऐसे कम से कम 50 वीडियो बन जाएंगे, क्योंकि 300 से लगभग लेक्चर्स हैं, 300 लेक्चर्स के बीच में 50 वीडियो बन जाएंगे ऐसे छोटे छोटे कट करके, अगर इन चीज़ें निकालेंगे कम से कम, तो वो मेरे ख्याल से ज़्यादा बेटर रहेगा। इससे 2-3 फायदे होंगे हम लोगों को। एक तो तुम लोग के लिए भी अगर कोई चीज़ मिस हो रही होगी, जैसे लेक्चर्स में मिलती नहीं है, तो वो टॉपिक के वजह से मिल जाएगी। दूसरी चीज़ क्या होगी कि अगर कभी दूसरा हमारे लिए बेटर है कि जब कोई बच्चा सर्च मारता है हमें, क्योंकि जैसे यूट्यूब भी दिखाता है कि 95% आप पे जो स्टूडेंट आता है वो जनरल सर्च करके नहीं आता है, वो बच्चों के ही रेफरेंस से आता है। मतलब जितने भी बच्चे आज तक हमसे जुड़े हैं उसमें समझ लीजिए आप 99% कहूँगा मैं तो, 95 भी क्या, 99% बच्चा सब आप लोगों के ही द्वारा आया है। मतलब किसी ने व्हाट्सएप पे शेयर किया, किसी ने मतलब फ्रेंड टू फ्रेंड वाला या सीनियर टू जूनियर वाला ऐसे ही आया है। तो मेरे को लगता है इस आइडिया से ये भी बेटर रहता है कि छोटे छोटे वीडियोस के थ्रू जो सर्च वाला अननोन बच्चा है वो भी आता है। क्लियर है, दो चीज़। अच्छा, इसका क्या कर सकते हैं, मैंने कल एक नज़र पड़ी अचानक मेरी कि अपने हमारे जो वीडियो हैं मेक इट ईजी वाले चैनल में, इसके कुछ वीडियोस किसी किसी ने, मतलब कल यूट्यूब की तरफ से मेरे को लिंक मतलब वो आया था, नोटिफिकेशन देखा था मैंने, तो उसमें दिख रहा था कि कई चैनल्स ने हमारा वीडियो लेके अपलोड किया हुआ है, मतलब अपने सब्जेक्ट का नाम नूम डाल के और वीडियो हमारा ही है। हो सकता है वो भी हमारा सब्सक्राइबर ही हो, कोई स्टूडेंट ही हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा सब्सक्राइबर्स नहीं दिख रहे थे मुझे उसमें, लेकिन ऐसे 3-4 चैनल हैं जिन्होंने हमारा ही वीडियो चला रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से चल रहा है। तो मेरे को देखा, मैंने किया तो खैर कुछ नहीं है, उसमें स्ट्राइक उस्ट्राइक का सीन होता है, पर वैसे ही मंदे दिन चल रहे हैं, किसी को स्ट्राइक उस्ट्राइक भेज के क्यों परेशान करना है। तो स्ट्राइक पर स्ट्राइक तो मैंने कुछ नहीं भेजा है उसे, बट मैं देख रहा था, मैंने कहा ठीक है चलो। अब ये है ना, इस वाले केस में मेरा इसलिए मन किसी पे अगेंस्ट जाने का नहीं करता, क्योंकि अल्टीमेटली है तो पढ़ाई, मतलब कोई वही वाली बात है, कोई तुमसे क्या चुरा लेगा, पढ़ाई बस, जो भी किसी को देगा पढ़ाई। हाँ ये है कि कोई गलत मोटिव से ना करे कि हाँ यार कुछ गलत मोटिव से वीडियो इधर उधर करे, तो वो गलत है। ठीक है, तो मैंने एक्शन तो कुछ नहीं लिया, बट ये है कि हाँ सभी से मैं कहूँगा कि जो भी करना है इस तरह की चीज़ें हमेशा बता के करें तो ज़्यादा अच्छा है, ज़्यादा बेटर रहता है, क्योंकि आपको पता है सामने वाला कोई बहुत ज़्यादा आपको मना तो करने नहीं वाला है। अगर स्टूडेंट के फेवर में होगा तो हमेशा मेरी तरफ से हाँ ही होगा किसी भी चीज़ के लिए, बट ऐसा ना करें तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि कल के दिन पर कोई परेशानी आएगी अगर आप उस पर डिपेंड हो गए तो दिक्कत आएगी। ठीक है, EAD पे तो होगी यार मेरी क्लासेस, जहाँ मैंने पढ़ाया है वहाँ तो होगी ना, वहाँ की तो कोई टेंशन नहीं है, EAD तो अपना ही है ना, EAD की टेंशन नहीं है, EAD पे तो होंगी क्लासेस। लेकिन और जगह कह रहा हूँ मैं, EAD का अलग है यार, EAD में तो हमने हमारा ही है समझो वो, तो उसकी तो टेंशन नहीं है, वहाँ नहीं, पर अलग चैनल्स बोल रहा हूँ, डिफरेंट चैनल्स कुछ ऐसे ही जिनको जानते भी नहीं है हम लोग ना, वहाँ कह रहा हूँ मैं।
तो ऐसा रहता है कई बार, तो थोड़ा दिक्कत आती है। मतलब हमको तो कोई दिक्कत नहीं है ना, उनको तो चलो कोई बात नहीं, हमको कोई परेशानी तो नहीं है ना इन चीज़ में, क्योंकि मेरे को नहीं पता ज़्यादा इसका आइडिया कि क्या होता है क्या नहीं होता है। तुम लोग बड़े 30 मार खाओ इन केसेस में। ठीक है, तो मैंने तो कुछ किया नहीं किसी का। ठीक है, पढ़ लो यार, जहाँ से भी पढ़ते हो क्या फ़र्क पड़ता है। ठीक है, बट किसी को इस तरह के आइडिया आए तो मैं पहले ही बता दूँ, ऐसा मत करा करो। ठीक है, मेरा बेस्ट फ्रेंड आईडी पासवर्ड मांग रहा था बट आई रिफ्यूज। अच्छा, नहीं, चैनल वैनल का नाम नहीं यार, क्यों परेशान कर रहे हो इतना, कोई बहुत बड़े चैनल नहीं यार, वो बच्चे बच्चे ही थे मेरे ख्याल से कोई। ठीक है, चलिए, थैंक यू वेरी मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।